सारेगामापा लिटिल चैंप्स में 8 साल पहले अपनी आवाज़ से धमाल मचाने वाले अजमत हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया साइट पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो इंडियन आइडल के मंच पर ऑडिशन देने पहुंचे हैं। उन्होंने इस दौरान कई बड़े बड़े खुलासे किए जिसे जानकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जी हाँ, अजमत हुसैन आज से 8 साल पहले सारेगामापा लिटिल चैंप्स के विजेता बने थे। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से सबको मोहित कर लिया था। अब उनका यह वीडियो काफ़ी चौंकाने वाला है क्योंकि शो जीतने के बाद की जर्नी उनके लिए बहुत अच्छी नहीं रही। इसका उन्होंने खुद खुलासा भी किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अजमत हुसैन को इंडियन आइडल के मंच पर देख नेहा कक्कड़ चौंक जाती है और उन्हें पहचान लेती है कि वह पहले भी सिंगिंग शो जीत चुके हैं। उनकी जर्नी के बारे में पूछने पर अजमत हुसैन ने बताया कि उन्हें कुछ गलत लोगों की संगत ने बिगाड़ दिया और वो नशे के आदी भी हो गए। उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी ही आवाज़ से नफरत होने लगी थी जिसके बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया। अजमत हुसैन ने आगे बताया कि लोगों ने उन्हें और उनके पैसे को खूब बर्बाद किया और वो आज आर्थिक रूप से अच्छे नहीं हैं। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें सलमान अली से प्रेरणा मिली और फिर उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में वापसी करने का मन बनाया और आज ऑडिशन देने पहुंचे हैं। बता दें कि अजमत हुसैन ने जी टीवी सारेगामापा लिटिल चैंप्स का खिताब जीता था। अजमत ने अपनी शानदार सुरीली आवाज़ से दुनिया भर के लोगों का मन मोह लिया था। इस मौके पर बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान भी पहुंचे थे और उन्होंने बाल गायकों का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ अपनी आने वाली फिल्म रावण का भी प्रमोशन किया था। अजमत हुसैन का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। अजमत हुसैन को ऑडिशन में विशाल शेखर, नेहा कक्कड़ और अनु मलिक ने सिलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, इंडियन आइडल से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें फिल्मी पंचायत पर।